अनुराग दर्द से कराहते हुए खुद से कहता है, ये क्या हो गया मेरे हाथ को। अनुराग का हाथ पूरी तरह सफेद पड़ चुका था। उसे अपने शरीर में अलग ही कमजोरी महसूस होने लग गई थी। वो दर्द से कराहने लग गया था। उसके हाथ पैरों की नसें दिखने लग गई थी। अनुराग फिर एक बार दर्द से कराहते हुए बोल पड़ता है, आह मेरा हाथ। अनुराग समझ गया था कि उसकी ये हालत उस हीरे की वजह से हुई थी। उसी के कारण वो इतना कमजोर पड़ गया था कि ठीक से खड़ा तक नहीं हो पा रहा था। अनुराग के हाथ पैर कपकपाने लग गए थे। अनुराग दर्द से कराहते हुए कहता है, यक्षिणी ने सच कहा था, मुझे यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। ये क्या हो गया है मुझको, ये मेरे हाथ पैर ऐसे कैसे हो गए। अनुराग उस हरे हीरे को देखते हुए कहता है, ये सब इस हीरे की वजह से हुआ है, मुझे इसे नहीं छूना चाहिए था। ना मैं इसे छूता, ना ही मेरे साथ ये सब होता। अगले ही पल अनुराग उस हीरे को फेंकने की कोशिश करने लग जाता है, पर अनुराग उस हीरे को अपने हाथ से हटा ही नहीं पाता है। ऐसा लग रहा था जैसे वो हीरा उसके हाथ में चिपक गया हो। अनुराग उस हीरे को अपने हाथ से हटाने की कोशिश करते हुए कहता है, हट जा, हट मेरे हाथ से, दूर हट। अनुराग उस हरे हीरे को अपने हाथ से हटाने की कोशिश ही कर रहा था कि तभी एक डरावनी आवाज सुनाई देती है। ये तू क्या कर रहा है अनुराग। जैसे ही डरावनी आवाज अनुराग को सुनाई देती है, अनुराग एकदम शॉक्ड हो जाता है। उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसके समझ नहीं आता कि वो आवाज कहां से आई थी। उसने इतनी ज्यादा डरावनी आवाज आज से पहले कभी नहीं सुनी थी। अनुराग अपने आसपास देखकर ये पता करने की कोशिश कर ही रहा था कि वो आवाज कहां से सुनाई दी है। तभी फिर डरावनी आवाज सुनाई देती है, यहां वहां क्या देख रहा है अनुराग, जरा नीचे देख, मैं यहां पर हूं। ये आवाज कहीं और से नहीं बल्कि हीरे के अंदर से आई थी। और ये आवाज ठीक उसी भक्षानर की तरह थी जिसने यक्षिणी को पृथ्वी लोक पर बुलाया था। अनुराग तुरंत हरे हीरे की तरफ देखने लग जाता है। जब उसकी निगाहें हरे हीरे पर टिकती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अनुराग देखता है कि हरे हीरे के अंदर काला खून तैर रहा था और उसी के अंदर दो पीली आंखें नजर आ रही थी। अनुराग को वो पीली आंखें एकदम साफ नजर आ रही थी। वही पीली आंखें उसे घूरे जा रही थी। अनुराग डर से कांपते हुए कहता है, कौन हो तुम। हीरे के अंदर से फिर डरावनी भारी आवाज सुनाई देती है, तूने मुझे नहीं पहचाना अनुराग, मैं हूँ भक्षानर का वो अंश जो बचा रह गया था, खून की वो बूंद जिसे यक्षिणी पी नहीं पाई, मैं तेरा पूर्वज हूँ। जैसे ही अनुराग ये बात सुनता है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अनुराग डरते हुए कहता है, भक्षानर। हीरे के अंदर से आवाज सुनाई देती है, हाँ भक्षानर। अनुराग हकलाते हुए अपने हाथ पैरों को देखते हुए कहता है, तुमने मेरे खून के साथ क्या किया है, तुम्हें क्या चाहिए मुझसे, मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। भक्षानर की आवाज सुनाई देती है, मुझे पनाह चाहिए अनुराग। अनुराग भक्षानर की आवाज सुनकर इतना ज्यादा डर गया था कि कुछ बोल नहीं पा रहा था। भक्षानर फिर अनुराग से बोल पड़ता है, मुझे तेरा शरीर चाहिए, मुझे तेरे शरीर के अंदर पनाह लेनी है। अनुराग तुरंत ना में अपना सिर हिलाते हुए कहता है, नहीं बिल्कुल नहीं, मैं तुझे अपना शरीर बिल्कुल नहीं दूंगा। भक्षानर गुस्से के साथ कहता है, तू मुझे मना कर रहा है। अनुराग अपनी बात पर अडिग रहते हुए कहता है, हाँ मैं मना कर रहा हूँ तुझे, क्योंकि मैं अच्छे से जानता हूँ कि तेरा मकसद क्या है। अपने मकसद को पाने के लिए तू यक्षिणी को सताएगा, उसे मार देगा, पर मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। मैं यक्षिणी से बहुत प्यार करता हूँ, मैं कभी उसे कुछ नहीं होने दूंगा। भक्षानर पलट कर कहता है, तो अब तेरे लिए अपने पूर्वज के मकसद से ज्यादा प्यारी वो डायन यक्षिणी हो गई। भूल मत, मैं तेरा पूर्वज हूँ, तू मेरा ही अंश है, अगर मैं ना होता तो तू भी नहीं होता। अनुराग बड़े गुरूर के साथ कहता है, मैं तेरा वंशज जरूर हूँ, पर तेरी तरह बिल्कुल नहीं हूँ। इंसान का जन्म किस कुल में हुआ है उससे उसकी नियति निर्धारित नहीं होती, बल्कि उसके कर्मों से उसकी नियति निर्धारित होती है। और मैं इंसानों के साथ पला बढ़ा हुआ हूँ, और अब मैं भी एक इंसान हूँ, मेरे अंदर इंसानियत है, और मुझे पता है क्या सही है क्या गलत, कौन बुरा है कौन अच्छा। भक्षानर गुस्से के साथ कहता है, अगर तू इंसानों के साथ पला बढ़ा है तो मैं भी शैतानों के साथ पला बढ़ा हूँ, अगर तेरे अंदर इंसानियत बसी है तो मेरे अंदर भी शैतानियत बसी है। इंसानों के साथ रहकर तुझे ये तो पता चल ही गया होगा कि इंसानियत क्या होती है, पर शैतानियत क्या होती है वो तुझे नहीं पता होगा। आज मैं तेरा उस शैतानियत से सामना कराऊंगा। भक्षानर की ये बात सुनकर अनुराग की रूह कांप गई थी। वो इतना ज्यादा डर गया था कि उसकी जुबान लड़खड़ाने लग गई थी।
अनुराग डर के साथ कहता है, क्या करोगे तुम? भक्षानर पलट कर कहता है, पनाह लूंगा तेरे शरीर के अंदर। अब तेरा शरीर मेरा शरीर है, सिर्फ तेरा शरीर नहीं, तेरा सब कुछ अब मेरा है। अनुराग समझ गया था कि ये सब उस हरे हीरे को अपने हाथ में पकड़ने के कारण हो रहा था। उसी की वजह से उस हीरे के अंदर से भक्षानर की आवाज सुनाई दे रही थी। अनुराग फिर से उस हीरे को अपने हाथ से हटाने की कोशिश करने लग जाता है, पर वो शायद भूल चुका था कि अब काफी देर हो चुकी थी। जिस वक्त वो हीरे के अंदर हीरे से जुड़े हुए किस्से देख रहा था, उसी वक्त उसके शरीर का सारा खून उस हीरे के अंदर जाने लग गया था और वहां पर जाकर पूरी तरह काला पड़ चुका था। भक्षानर के खून की मात्र एक बूंद ने अनुराग के पूरे खून को अपनी तरह बना लिया था। अनुराग हीरे को अपने हाथ से छुड़ाने की कोशिश कर ही रहा था कि उसी वक्त हीरे के अंदर अनुराग का जो काला खून मौजूद था उसके अंदर तेजी के साथ मूवमेंट होने लग जाता है। भक्षानर की पीली आंखें दिखनी बंद हो गई थी। देखते ही देखते हीरे के अंदर से काला खून निकलने लग जाता है और अनुराग की हथेली जिसमें बबूल का कांटा गड़ा था, जिससे खून निकलकर हीरे के अंदर गया था, उसी जगह से काला खून वापस से अनुराग के शरीर के अंदर जाने लग जाता है। जैसे ही अनुराग के शरीर के अंदर काले खून की एक बूंद जाती है, अनुराग दर्द से तड़पना शुरू कर देता है। अनुराग दर्द से कराहते हुए कहता है, ऐसा मत करो मेरे साथ, जाने दो मुझे, मुझे अपनी तरह मत बनाओ, जाने दो मुझे। अनुराग चीखते चिल्लाते रहता है पर पलटकर कोई भी आवाज सुनाई नहीं देती है। अनुराग के ही दर्द से तड़पने की आवाज कमरे के अंदर गूंजती रहती है। जिस वक्त हीरे से निकलकर काला खून अनुराग के शरीर के अंदर जा रहा था, उसी वक्त अनुराग के हाथ की कलाई पर पहले से जो तीन निशान बने हुए थे, वहां पर एक और निशान बनने लग गया था और वो निशान था इन्फिनिटी का, जीवन मरण चक्र का, जैसे अनुराग का एक नया जन्म हो रहा हो, उसके अंदर की सारी अच्छाइयां मर रही हो और बुराइयां उसके शरीर के अंदर पनाह ले रही हो। जैसे ही हीरे से सारा खून अनुराग के शरीर के अंदर चले जाता है, अनुराग की कलाई पर चौथा निशान भी बन जाता है। उसी के साथ अनुराग एक दर्द भरी कराहती हुई आवाज के साथ धड़ाम से फर्श पर गिरता है और बेहोश हो जाता है। उसके हाथ से हरा हीरा छूटकर उसके बगल में गिर जाता है। हीरे के अंदर अब कोई भी खून की बूंद मौजूद नहीं थी। वो हरा हीरा पूरी तरह भक्षानर के अंश से मुक्त हो चुका था। चित्रा जो कि ये सब हीरे के अंदर देख रही थी, वो खुद से बोल पड़ती है, इसका मतलब अनुराग जब पंचम गांव आया, उसके बाद उसके हाथ पर वो चौथा निशान बना, यहीं पर आकर वो बदला, पर वो पांचवा निशान वो कब बना अनुराग की कलाई पर? इतना कहकर चित्रा फिर हीरे के अंदर देखने लग जाती है। चित्रा देखती है कि कमरे के अंदर एकदम खामोशी छाई हुई थी। अनुराग वहां पर बेहोशी पड़ा हुआ था कि तभी एक औरत की आवाज सुनाई देती है, लेखक बाबू। ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि यक्षिणी की थी। यक्षिणी दरवाजे पर खड़ी हुई थी। अनुराग की तलाश करते करते यक्षिणी वहां पर आ गई थी। घर के अंदर घुसते ही यक्षिणी अनुराग को ढूंढने लग गई थी। उसी वक्त उसकी नजर जमीन पर पड़ती है और जब वो वहां पर अनुराग को बेहोश पड़ा हुआ देखती है तो डर जाती है। यक्षिणी तुरंत भागते हुए अनुराग के पास जाती है। वो उसके शरीर के पास बैठते हुए रोते हुए कहती है, ये आपको क्या हो गया लेखक बाबू, अपनी आंखें खोलिए लेखक बाबू, खोलिए अपनी आंखें। यक्षिणी अनुराग के पास बैठकर रोने लग जाती है। यक्षिणी रोते हुए फिर बोल पड़ती है, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे लेखक बाबू, ये क्या हो गया है आपको, आपकी हालत ऐसी कैसे हो गई, बताइए मुझे लेखक बाबू, कुछ तो बोलिए। यक्षिणी अनुराग के सीने पर अपना सिर रखती है और रोते हुए फिर बोल पड़ती है, आपको कुछ नहीं हो सकता लेखक बाबू, मैं आपको नहीं खो सकती, एक आप ही तो है जो मुझे समझ पाए हैं, जिसने अपना सब कुछ छोड़कर मुझे अपनाया है, आपका मेरे सिवा इस दुनिया में है ही कौन लेखक बाबू। यक्षिणी अनुराग के सिर पर अपना सिर रखकर लगातार रोने लग जाती है, आंसू बहाने लग जाती है। वो यक्षिणी जिसे सब डायन बोलते थे, जो मर्दों के दिल निकालती थी, आज उसका दिल अपने प्रेमी के लिए रो रहा था। वो अपने आप को असहाय निर्बल महसूस कर रही थी, सिर्फ और सिर्फ अपने प्रेमी अनुराग के लिए। यक्षिणी अनुराग के सीने पर अपना सिर रखकर रोई रही थी कि तभी उसे अनुराग के दिल की धड़कन सुनाई देने लग जाती है। अनुराग का दिल जोरों से धड़क रहा था। उस धड़कन की आवाज को सुनकर यक्षिणी समझ जाती है कि अनुराग मरा नहीं था, बस बेहोश हुआ था। अनुराग को बेहोशी की हालत में से उठाने के लिए अभी यक्षिणी ने अपना सिर उसके सीने से उठाया ही था कि तभी उसकी नजर अनुराग के हाथ की कलाई पर पड़ती है और जैसे ही वो अनुराग की कलाई देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता है। यक्षिणी ना में अपना सिर हिलाते हुए कहती है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यक्षिणी देखती है कि अनुराग की कलाई पर चौथा निशान जीवन मरण चक्र का तो बन ही गया था, पर अब उसके हाथ पर एक और निशान बनने लग गया था।
आंख के अंदर ट्रायंगल का निशान, जिसमें ट्रायंगल तो बन चुका था, बस आंख बनना बाकी थी। अनुराग की कलाई पर वो निशान अपने आप बनते जा रहे थे। जैसे जैसे वो निशान बनते जा रहा था, अनुराग के दिल की धड़कनें बढ़ते जा रही थी, जिसे यक्षिणी साफ साफ सुन पा रही थी। यक्षिणी उस पांचवें निशान को देखते हुए खुद से कहती है, जिसका मुझे डर था वही हुआ, ये निशान नहीं बनने चाहिए थे लेखक बाबू के हाथ पर, ये सब हुआ कैसे? यक्षिणी सोच ही रही थी कि उसी वक्त उसकी नजर अनुराग के बगल में जो हरा हीरा पड़ा हुआ था उस पर पड़ती है। और जब यक्षिणी उस हीरे को अपने हाथ में लेती है तो उसे भी सब कुछ पता चल जाता है कि थोड़ी देर पहले अनुराग के साथ क्या हुआ था, अनुराग और भक्षारण के अंश के बीच क्या बातें हुई थी। जब यक्षिणी हीरे में सब कुछ देख लेती है कि अनुराग के साथ क्या हुआ था, तो उसकी आंखों में बस मोटे मोटे आंसू बचते हैं और कुछ नहीं बचता है। यक्षिणी रोते हुए खुद से कहती है, ये आपने क्या कर दिया लेखक बाबू, आप यहाँ पर क्यों आए? लेखक बाबू, मैंने आपसे मना किया था तो आपने क्यों नहीं मानी मेरी बात? इसी वजह से मैं आपको नहीं बता रही थी कि भक्षानर कौन था, क्योंकि मुझे डर था कि अगर मैंने आपको उसके बारे में बता दिया तो आपके अंदर भी कहीं भक्षानर के गुण जागृत हो जाए, इसीलिए मैंने आपसे सारी सच्चाई छुपाई थी, नहीं बताया था कि आप किसके वंशज हैं। इतना कहकर यक्षिणी फिर रोने लग जाती है। यक्षिणी रोते हुए फिर खुद से कहती है, अब मैं आपको चाह कर भी नहीं बचा सकती लेखक बाबू, सब कुछ खत्म हो गया लेखक बाबू, सब कुछ खत्म हो गया, अब आपको भक्षानर बनने से कोई नहीं रोक सकता, मैं भी नहीं। भक्षानर का अंश आपके अंदर प्रवेश कर चुका है और अब वो आपको पूरी तरह बदल देगा। अब आप मेरे लेखक बाबू नहीं रहे, भक्षानर बन चुके हैं। वो आपके अंदर की सारी अच्छाई को खत्म कर देगा और जिस इंसान के अंदर अच्छाइयां खत्म हो जाती हैं वो भक्षानर बन जाता है। यक्षिणी देखती है कि अनुराग की कलाई पर पांचवा निशान और तेजी से बनने लग गया था। यक्षिणी अपने आंसू पोंछते हुए कहती है, लेखक बाबू, मैं आपको भक्षानर बनने से तो नहीं रोक सकती, पर आपके अंदर जो भक्षानर है उसे उसका मकसद हासिल करने से जरूर रोक सकती हूँ। यक्षिणी आक्रोश भरी आवाज में कहती है, भक्षानर को ब्रह्मांड पर राज करना है ना, जिसके लिए उसे शक्तियां चाहिए, मेरे ताज में लगा लाल हीरा चाहिए, मेरा ताज तो वैसे ही मेरे पास नहीं है, पर अब मैं उसके हाथ कोई भी शक्ति नहीं लगने दूंगी, महाडायन के इस हरे हीरे को भी नहीं। इतना कहकर यक्षिणी उस हरे हीरे को अपने दोनों हाथ में पकड़ती है और फिर आक्रोश भरी आवाज में बोल पड़ती है, मैं इस हीरे के चारों तरफ ऐसा रक्षा कवच बनाऊंगी कि भक्षानर तू इस हीरे की शक्ति का प्रयोग करना तो दूर, तू इसे छू तक नहीं पाएगा। यक्षिणी गुस्से के साथ कहती है, तेरी वजह से मुझे एक अभिशाप मिला था जिस कारण मैं एक डायन बन गई, अब मैं उसी डायन की शक्ति से इस डायन वंश के हीरे के चारों तरफ डायन वंशी रक्षा कवच बनाऊंगी। इतना कहकर यक्षिणी अपने सिर का एक काला बाल तोड़ लेती है। यक्षिणी मंत्र पढ़ते हुए कहती है, यस्याज्ञा मधुमी याति सा सात्काल्यम भूतिन्याज्ञाश्च डाकिन्यो यक्षिण्याज्ञाश्च खेचरा। जैसे ही यक्षिणी मंत्र पढ़कर खत्म करती है, उसके हाथ में जो काला बाल था उसका रंग बदल जाता है, वो काला बाल सफेद बाल में बदल जाता है। यक्षिणी उस सफेद बाल को हरे हीरे पर लपेटते हुए कहती है, कदम कवच मज्ञात्वा यो भजे छिन्न मस्तकाम सो अपि शस्त्र प्रहारेण मृत्यु मापनोति सत्वरम। यक्षिणी बार बार इस मंत्र का जाप करते जा रही थी और अपना सफेद बाल उस हीरे के चारों तरफ लपेटते जा रही थी। इधर यक्षिणी हीरे के चारों तरफ सफेद बाल लपेटते जा रही थी तो उधर अनुराग के हाथ पर भी पांचवा निशान बनते जा रहा था, उस ट्रायंगल के अंदर भी आंख बननी शुरू हो गई थी। जब यक्षिणी हीरे के चारों तरफ डायन वंशी रक्षा कवच बना देती है तो उस हीरे के चारों तरफ एक सफेद जाल बन जाता है, साथ ही उसी वक्त अनुराग के हाथ पर पांचवा निशान भी पूरी तरह बन जाता है। जैसे अनुराग के हाथ पर पांचवा निशान बनता है वो धीरे से अपनी आंखें खोल देता है। अनुराग की आंखें नॉर्मल नहीं थी, वो पीले रंग में चमकने लग गई थी भक्षानर की आंख की तरह। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी, यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब।